डियर स्टूडेंट्स, दिस इज एसके शुक्ला। जैसा कि आपको पता है, लास्ट वीडियो क्लास में मैंने जीएस का एक टॉपिक स्टार्ट किया था, अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज इन इंडिया। भारत में यूरोपियन व्यापारिक कंपनियों के आगमन के ऊपर लास्ट वीडियो क्लास में मैंने मैप के सहारे कुछ बताया था। तो भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आने के क्या कारण थे, उसको मैंने मैप में समझाया था। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी लिख रखे हैं, इनको मैं एक बार ब्रीफली आपको बता के आगे टॉपिक को कंटिन्यू करूंगा। तो भारत में यूरोपियन कंपनी के आने का सबसे बड़ा कारण जो था, वो था फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। जैसा कि आपको पता है कि बाइजेंटाइन एम्पायर जो था, उस पे ऑटोमान तुर्क का कब्जा हो गया और इसकी वजह से ईस्ट और यूरोप के बीच का जो ट्रेड लिंक था, गेटवे ऑफ यूरोप जो था कॉन्स्टेंटिनोपल, वो तुर्कों के कब्जे में आ गया, जिसकी वजह से टैक्सेस इतने ज्यादा बढ़ा दिए गए कि व्यापारियों को ये रूट जो है वो उनके लिए फायदेमंद नहीं रहा। दूसरा जो रीजन था वो था मोनोपोली ऑफ इटली। पुराने वाले ट्रेड का जो पैटर्न था उसमें इटली का मोनोपोली था, बाकी यूरोपियन कंट्रीज जो थी वो सिर्फ रिसीविंग इन पे थी, उनका ट्रेड से ज्यादा फायदा नहीं होता था। इटली का ज्योग्राफिकल पोजीशन भी ऐसा था, चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ था और नजदीक भी था इसके, इसलिए इनका वर्चस्व था। इस वर्चस्व को तोड़ने के लिए स्पेन और पुर्तगाल ने अपने नाविकों को प्रोत्साहित करके एक ऐसा रूट खोज, ट्रेड रूट खोज निकाला जो वन वे ऑल वाटर ट्रेड रूट था। तो ये भी एक रीजन था। इस क्रम में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला कारण था साइंटिफिक इन्वेंशंस। इसी पीरियड में कुछ ऐसे खोज हुए, इसका भी इनडायरेक्ट कारण जो था यही था, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ही था। कुछ ऐसे साइंटिफिक इन्वेंशंस हुए जिन्होंने उनके अराइवल को प्रमोट किया, जैसे मैग्नेटिक कंपास हो गया, बारूद का खोज हो गया, या बड़ी बड़ी जहाजों का निर्माण हो गया। इन्होंने उनके अराइवल को प्रमोट किया। फोर्थ रीजन जो था, मैंने आपको बताया था, जो पुराने वाले ट्रेड रूट्स थे, ट्रेड रूट्स पासिंग थ्रू वेरिड लैंडस्केप। पहले वाले जो ट्रेड रूट थे वो अलग अलग भूभाग से होके गुजरते थे, जैसे कहीं मैदान था, कहीं मरुस्थल था, कहीं जलमार्ग था। तो हर तरह के लैंडस्केप के लिए अलग अलग तरह के वाहन चाहिए थे, यातायात के साधन चाहिए थे। हर पॉइंट पे लोडिंग और अनलोडिंग करना बहुत ही इनकन्वीनियंट था, रास्ते में लुटेरों का भी खतरा था, अलग अलग पॉइंट पे टैक्सेशन था। इसलिए यूरोपियन व्यापारिक कंपनियों ने एक अलग से ऑल वाटर रूट खोजने का प्रयास किया। अगला जो रीजन मैंने आपको बताया था कल के क्लास में, टेल ऑफ ग्रेट वेल्थ इन इंडिया एंड ईस्ट। जैसे मैंने आपको बताया था कि मार्को पोलो जब आया था तो उसने अपनी किताब में यहां के प्रोस्पेरिटी के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की थी, और इस बात ने यूरोप के जो व्यापारिक थे या यूरोप के जो नाविक थे उनको बहुत प्रोत्साहित किया उस धन के प्रति। और लास्ट रीजन मैंने लिखा है स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी। स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी भी एक बहुत बड़ा रीजन था, जिससे जो यूरोप के लोग थे वो चाहते थे कि नए भूभाग पे जाएं और वहां क्रिश्चियनिटी का प्रसार करें। तो ये कुछ महत्वपूर्ण रीजन थे यूरोपियन व्यापारी कंपनियों के भारत में आगमन के। जैसा आप सभी जानते हैं कि भारत में आने वाली सबसे पहली व्यापारी कंपनी जो थी वो पुर्तगाल थी। तो आज हम लोग हेडिंग जो बनाएंगे पुर्तगाल का बनाएंगे, पोर्टुगीज वेयर फर्स्ट टू कम टू इंडिया। तो इनके विषय में कुछ बातें हम लोग जानेंगे। पोर्टुगीज, जैसा आपको मैंने कल के वीडियो क्लास में भी बताया था कि पोर्टुगीज ही थे जिन्होंने डायरेक्ट वाटर रूट खोजा था केप ऑफ गुड होप से। और भारत में आने वाला पहला जो पुर्तगाली था वो वास्को डी गामा था। तो भारत में आने वाली सबसे पहली जो कंपनी थी वो पुर्तगाली कंपनी थी। और आपको पता है कि भारत में वो जो पुर्तगाली कंपनी थी वो केरला के तट पे कालीकट में आई थी। कालीकट में वास्को डी गामा जो है केप ऑफ गुड होप से होते हुए मोजाम्बिक के रास्ते और वो कालीकट पहुंचा। ये कालीकट पहुंचने का काम उसने 1498 में किया। और पिछले क्लास में ही मैंने आपको बताया था कि जब वो कालीकट पहुंचा तो यहां का जो लोकल राजा था
उसको जेमोरिन कहते थे। तो जेमोरिन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया। तो वास्को डिगामा जो था वो कालीकट में कुल 3 महीने रहा और 3 महीने रहने के बाद अपने जहाज पर उसने भारतीय वस्तुओं की खरीदारी की और वापस लौटा। और लौटने के बाद उसने उस सामान को जब बेचा तो पूरे यात्रा के खर्च को निकालने के बाद 60 गुना ज्यादा उसको मुनाफा हुआ। यह देखकर दूसरे जो व्यापारी थे उनको भी बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिला। इसके बाद वास्को डिगामा के बाद एक के बाद एक बहुत सारे व्यापारियों का दल भारत या कालीकट आया और इसी तरह एक सिलसिला शुरू हो गया पुर्तगालियों का आना। और इसी सिलसिले के तौर पे इनके आने का इमीडिएट रीजन जो था वो था पूरे स्पाइस ट्रेड पे, पूरे स्पाइस ट्रेड पे मोनोपोली हासिल करना। दे वांटेड टू हैव मोनोपोली ओवर स्पाइस ट्रेड। तो स्पाइस ट्रेड पे ये मोनोपोली चाहते थे। लेकिन जब वास्को डिगामा आया था तो यहां पे जो पहले से जो अरब व्यापारी थे इनके मन में बहुत जलन हुई क्योंकि जेमोरिन ने उनका स्वागत किया था। तो अरब व्यापारियों ने क्या किया कि जेमोरिन के मन में संशय उत्पन्न किया इन पुर्तगालियों के प्रति। और बाद में जेमोरिन के साथ पुर्तगालियों का झगड़ा भी हुआ, युद्ध भी हुआ जिसमें जेमोरिन हार भी गया। लेकिन आगे का क्रम क्या हुआ कि पुर्तगाली माने नहीं, एक के बाद एक उनका व्यापारियों का कारवां भारत आता रहा। और इसी क्रम में उन्होंने भारत में अपना पहला गवर्नर जिसको नियुक्त किया था उसकी बात हम लोग करेंगे। लेट्स सी। तो भारत में जब ये आए तो अलग अलग जगह पे इन्होंने धीरे धीरे ट्रेड सेंटर अपना शुरू करना, स्थापित करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहला जो गवर्नर बनाया गया पुर्तगाल का वो था अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। मैं पूरा नाम लिख देता हूं, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो आप इसको कह सकते हैं, इसमें पहला प्रश्न तो सीधे सीधे ये पूछा जाएगा कि पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था। सो ही वॉज द फर्स्ट पोर्टुगीज गवर्नर। ये पहला पुर्तगाली गवर्नर था जिसका टाइम पीरियड उतना मैटर नहीं करता है, लेकिन यहां पे मैं लिख देता हूं 1505 से 1509 तक। तो ये भारत का पहला पोर्टुगीज गवर्नर था। तो जब ये भारत आया था तो इसको एक टास्क सौंपा गया था, इसको टास्क सौंपा गया था इंडियन ओशन पे पूरी तरीके से कब्जा करने का। टू ही वॉज असाइंड द टास्क टू कंट्रोल द होल इंडियन ओशन, टू कंट्रोल इंडियन ओशन। तो उनको इसको पुर्तगाल से ही ये टास्क हाथ में देकर भेजा गया था कि तुमको पूरे हिंद महासागर पे कब्जा करना है। हिंद महासागर क्या है मैं ब्रीफली आपको बता दूं, ये इंडिया है। तो ये पूरा जो इंडिया के ईस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट और साउदर्न पॉइंट पे ये जो वाटर है, ये सारा वाटर जो है इंडियन ओशन कहलाता है। तो इनका काम था इंडियन ओशन पे पूरी तरीके से इसको कब्जा करने के पर्पज से भेजा गया था। और इसी पर्पज से इसने एक पॉलिसी स्टार्ट की और उस पॉलिसी को ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं, ब्लू वाटर पॉलिसी। तो जनरली प्रश्न ये पूछा जाता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने शुरू की, तो इट वॉज स्टार्टेड बाय द फर्स्ट पोर्टुगीज गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो ब्लू वाटर पॉलिसी का पर्पस क्या था, हिंद महासागर पे कब्जा करना। तो जब पोर्टुगीज हिंद महासागर पे कब्जा करने का प्रयास करने लगे तो नेचुरली जो पहले से व्यापार कर रहे थे उस जगह पे वो नेचुरली उसको अपोज करेंगे। तो पहले से 4 प्रमुख पावर वहां पे व्यापार करते थे, वो थे अरब्स, इसके बाद तुर्क्स भी करते थे, इजिप्ट के लोग भी करते थे और कुछ गुजराती व्यापारी जो थे
ये भी करते थे। तो जब इसने हिंद महासागर पे कंट्रोल करने का प्रयास किया तो उसको अल्मीडा को इनका इनके विरोध का सामना करना पड़ा, और इसी विरोध का परिणाम क्या निकला, इस विरोध का परिणाम निकला दो बैटल हुए। पहला बैटल था बैटल ऑफ चौल, और दूसरा जो बैटल था वो बैटल ऑफ दीव था, बैटल ऑफ दीव। तो दो युद्ध लड़े अल्मीडा ने इस ज्वाइंट नेवल आर्मी के साथ, ज्वाइंट जो मुस्लिम आर्मी थी उसके खिलाफ इसने जंग लड़ा। पहला जो था 1508 में और दूसरा 1509 में। तो बैटल ऑफ चौल में अल्मीडा जो था वो हार गया और उस युद्ध में उसके बेटे की भी मृत्यु हुई। लेकिन अगले साल जब बैटल ऑफ दीव हुआ तो उसमें अल्मीडा जीत गया और उसने ज्वाइंट फोर्स को, ज्वाइंट नेवल फोर्स ऑफ अरब, तुर्क, इजिप्ट एंड गुजरातीज, इनको इसने हरा दिया। और इसके हराने का परिणाम क्या हुआ कि हिंद महासागर पे इसका पार्शियल कंट्रोल एस्टैब्लिश हो गया। कंप्लीट कंट्रोल नहीं एस्टैब्लिश हुआ था, पार्शियल कंट्रोल एस्टैब्लिश हुआ था, और दीव भी इसका हिस्सा बन गया और दीव पे इसने कब्जा कर लिया। दीव केम अंडर देयर कंट्रोल, केम अंडर हिज कंट्रोल। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के संदर्भ में इतनी बातें आपको जाननी ही चाहिए। इसके बाद हम अगले गवर्नर की तरफ बढ़ेंगे। आई होप इट्स क्लियर टू यू। तो अगला जो गवर्नर था उसको जरा देखते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं। अगला जो पोर्तुगीज गवर्नर था वो था अफोंसो डी अल्बुकर्क, अफोंसो डी अल्बुकर्क। अफोंसो डी अल्बुकर्क, इसका टाइमिंग जो है, अफोंसो डी अल्बुकर्क का जो टाइमिंग है आप 1509 से 1515 लिख सकते हैं, टाइमिंग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो दूसरा पोर्टुगीज गवर्नर था वो था अफोंसो डी अल्बुकर्क। तो अफोंसो डी अल्बुकर्क जो था इसके संदर्भ में पहला ही बात जो मैं लिख रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ही वॉज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज पावर इन इंडिया। भारत में पोर्तुगीज को वास्तविक रूप से संस्थापित करने वाला व्यक्ति जो था वो अफोंसो डी अल्बुकर्क था। तो पहला क्वेश्चन तो आपको यही पे बन जाता है। दूसरा, 1510 में इसने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया था। He captured Goa from Bijapur. इसने बीजापुर से गोवा छीन लिया और गोवा को पुर्तगाल के अंतर्गत लाके खड़ा कर दिया। इसने अगला काम क्या किया, He made Cochin the capital ऑफ पोर्तुगीज पोसेशन इन इंडिया। तो इसने कोचीन को अपनी राजधानी भी बनाई। गोवा कैप्चर होने के बाद ही पुर्तगालियों की राजधानी नहीं बनी थी, इसमें अभी वक्त लगेगा। इसने राजधानी कोचीन को बनाया। इसके बाद अगला कदम जो इसने उठाया वो था, इसने हॉर्मुज को कैप्चर कर लिया। इसने हॉर्मुज को कैप्चर किया। और ऑर्मुज जो है ये पर्शियन गल्फ का स्टार्टिंग पॉइंट में है, ये इट इज इन पर्शियन गल्फ। तो पर्शियन गल्फ के इस ऑर्मुज वाले पॉइंट को भी इसने कैप्चर किया। बाद में इसने मलाका पे भी कब्जा किया, कैप्चर्ड मलाका, मलाका केम अंडर हिज कंट्रोल।
तो इसने क्या किया, अगर हम मैप के सहारे समझेंगे, शॉर्ट में मैं मैप बना रहा हूं, तो इसने इस पर्सियन पॉइंट पे ओर्मुज, यहां पे इंडिया में गोवा, ओर्मुज गोवा और इधर मलाका, इस पे इसने कब्जा किया और ये पूरे इंडियन ओशन पे इसने कंट्रोल हासिल किया। तो पोर्टुगीज ऑब्जेक्टिव को वास्तविक रूप से पूरा करने वाला कौन था? अल्फोंसो डी अल्बुकर्क था। इसने पूरे इंडियन ओशन पे पोर्टुगीज डोमिनेंस को हासिल किया, इसलिए इसको रियल फाउंडर भी हम कहते हैं। और यही वो समय था, पुर्तगालियों का ऐसा दबदबा था कि पूरे इंडियन ओशन में उनका आर्म्ड शिप जो है उसको पेट्रोल करता था। और इन्होंने इसी टाइम पे कार्टाज इशू शुरू करना शुरू किया। कार्टाज जो था एक तरह का परमिट था, यानी किसी और व्यक्ति का जहाज इंडियन ओशन में जाता था तो उनको पुर्तगालियों से परमिट लेना पड़ता था, उस परमिट को कार्टाज सिस्टम कहा जाता था। तो कार्टाज सिस्टम भी इसने चालू किया। और रियल मायनों में पुर्तगालियों को अच्छी तरीके से इंडिया में बसाने के लिए इसने क्या किया कि जो पुर्तगाली युवा थे उनको उसने प्रमोट किया कि तुम भारतीय महिलाओं से तुम लोग ब्याह करो और इनके साथ रिलेशनशिप बनाओ और यहां पे इनके सिस्टम में एब्जॉर्ब करो। तो इसने पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से भी विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो रियल मायनों में अगर हम देखें तो पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक जो था वो अल्बुकर्क था। अल्बुकर्क के बाद अगला जो गवर्नर है, पोर्तुगीज गवर्नर, उसको हम लोग देखेंगे। टेक अ लुक एट हिम। तीसरा जो पोर्टुगीज गवर्नर था वो था नीनो डी कुन्ना। तो थर्ड जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं वो है नीनो डी कुन्हा। इसका टाइमिंग आप 1529 से 38 तक, 1538 तक देख सकते हैं। तो नीनो डी कुन्हा, इसके संदर्भ में भी कुछ बातें हैं जिनको आपको जाननी चाहिए। इसके संदर्भ में सबसे पहला बात क्या है कि ही कैप्चर्ड मलाका, मलाका नहीं, इनफैक्ट इट वाज मोम्बोसा, ही कैप्चर्ड मोम्बोसा। ये मोम्बोसा कहां था? ये मोम्बोसा था ईस्ट अफ्रीकन कोस्ट पे, ईस्ट अफ्रीकन कोस्ट पे। तो इसने मोम्बोसा पे कब्जा किया। इसके अलावा इसने ईस्ट कोस्ट पे भी, जनरली पोर्टुगीज जो थे प्राइमरली वेस्टर्न कोस्ट पे थे, वेस्टर्न इंडियन कोस्ट पे थे, लेकिन ईस्ट कोस्ट पे इसने हुगली में भी अपना ट्रेड सेंटर स्थापित किया, हुगली और सैंथोम में भी। तो इसने ईस्ट कोस्ट पे दो जगह ये सेंटर स्थापित किए, हुगली और सैंथोम में। इसके बाद यही वो गवर्नर था जिसने गोवा को राजधानी बनाया। ही शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम कोचिन टू गोवा, शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम कोचिन। पहले जो पुर्तगालियों की राजधानी थी भारत में वो कोचिन थी, कोचिन से इसने गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया और ऐसा इसने 1530 में किया। तो इस तरीके से इसके पीरियड में जो इंपोर्टेंट घटनाएं थी वो ये थी। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जितने भी पोर्तुगीज एम्पायर के अंदर टेरिटरीज थी उन सारी टेरिटरीज को तीन एरिया में हम बांट सकते हैं। जरा इसको ब्रीफली हम लोग देखते हैं। लेकिन इस चीज को बताने से पहले इसमें एक और मैं आपको बात बताने रहा हूं कि नीनो डी कुन्हा का जो है बहादुर शाह से भी
गुजरात का जो राजा था, गुजरात का जो शासक था बहादुर शाह से भी इसका कुछ अफेयर हुआ था, उसके बारे में मैं ब्रीफली बता देता हूं। बहादुर शाह जो था वो मुगल शासक हुमायूं से युद्धरत था। हुमायूं आया था गुजरात में उसको कंट्रोल करने के लिए, तो पुर्तगालियों के का सहयोग हासिल करने के लिए बहादुर शाह ने वसीम जो है वसीम को पुर्तगालियों को सौंप दिया था। तो जैसे ही हुमायूं का खतरा टल गया तो बहादुर शाह दोबारा वसीम का डिमांड करने लगा पुर्तगालियों से। तो पुर्तगालियों ने बहादुर शाह को एक नाव पर मीटिंग रखी, नाव पर मिलने के लिए बुलाया और वहां पे उसको बुला के और उसको नाव में से नीचे डुबा के मार डाला। तो ये बहादुर शाह से भी इसका स्मॉल इंटरेक्शन था जिसके बारे में मैंने चर्चा की। अगर हम ब्रीफली बताएं पोर्टुगीज एम्पायर के बारे में, तो पोर्टुगीज एम्पायर को तीन भाग में बांट सकते हैं। पोर्टुगीज एम्पायर को तीन कैटेगरी में बांटा जा सकता है। पहला, इनका तीन जगह गवर्नमेंट था। पहला था गवर्नर एट या गवर्नर ऑफ गोवा, दूसरा गवर्नर ऑफ मोजाम्बिक और तीसरा जो था वो था गवर्नर ऑफ मलाका। तो इनका अंपायर गोवा इंडियन कोस्ट पे था और पर्सियन गल्फ को कंट्रोल करते थे, मोजाम्बिक साउथ ईस्ट अफ्रीकन कोस्ट पे था और जो मलाका जो था वो ईस्ट एशियन रीजन में था। तो ये तीन जगह इनका गवर्नमेंट स्टैब्लिश था। अब हम आगे बात करेंगे पुर्तगालियों का। ये तो पुर्तगालियों का अफेयर हो गया और तीन जो मेन गवर्नर थे उनकी हमने चर्चा कर ली। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि पुर्तगालियों का कंट्रीब्यूशन क्या था, व्हाट वेयर द कंट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टुगीज इन इंडिया। ब्रीफली उसको हम लोग देखेंगे। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टुगीज, तो पोर्टुगीज का क्या योगदान हुआ, यानी पुर्तगाली जब इंडिया आए तो इंडिया में वो अपने साथ क्या लाए, इंडिया में क्या उन्होंने योगदान दिया। तो सबसे पहला इनका योगदान था वो था प्रिंटिंग प्रेस। ये भारत में प्रिंटिंग प्रेस लेकर आए। जैसा कि आपको पता है कि ये पुर्तगालियों ने प्रिंटिंग प्रेस की खोज नहीं की थी, वो भारत प्रिंटिंग प्रेस लेकर आए थे। प्रिंटिंग प्रेस की खोज एक जर्मन व्यक्ति था गुटेनबर्ग, उसने की थी। और इस प्रिंटिंग प्रेस ने रेनेसेंस में या एनलाइटन या रिफॉर्मेशन मूवमेंट में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तो वहां से प्रिंटिंग प्रेस ये लेकर आए थे। तो पहला इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है कि ये भारत में प्रिंटिंग प्रेस लेके आए और इसी प्रिंटिंग प्रेस के आने की वजह से गोवा में भारत में पहली किताब छपी थी। दूसरा इनका कंट्रीब्यूशन था बिग सिप्स, अपने साथ ही बड़े बड़े जहाज लेकर आए थे, उनको बनाने की टेक्निक लेकर आए। और तीसरा इनका कंट्रीब्यूशन था अपने साथ ही बहुत सारे क्रॉप्स लेकर आए, बहुत सारी नई फसलें लेकर आए जो इंडिया में पहले नहीं थी। इन नई फसलों का मैं एक छोटा सा एक्रोनिम यहां पे लिख दे रहा हूं, ये आपको इजिली याद रहेगा। इसका मैं एक्रोनिम लिख दे रहा हूं, टीएमसी पॉप या पॉप टीएमसी। पॉप एक तरह का म्यूजिक होता है और टीएमसी तृणमूल कांग्रेस, तो ये याद आपको इजिली रहेगा। तो यहां इस एक्रोनिम को मैं लिख दे रहा हूं पी फॉर पोटैटो। तो गुजराती अपने साथ क्या ले आए थे, पोटैटो ले आए थे। इसके बाद ओ का मतलब हो गया ऑरेंजेस, अपने साथ ऑरेंज लेकर आए थे। दूसरे पी का मतलब हो गया पपाया। और आ जाते हैं टीएमसी में, टी का मतलब हो गया टोबैको, एम का मतलब हो गया मेज एंड सी का मतलब हो गया कैशुनट। तो ये ऐसी फसलें थी जो पुर्तगालियों के पहले भारत में नहीं थी। तो
तो इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं आपको किसी भी इसके पहले पुर्तगालियों से पहले के पीरियड में, किसी भी पीरियड में आपको चार फसलों का लिस्ट दे देगा और उसमें बोलेगा कि इनमें से कौन सा फसल इस युग में नहीं था। तो जनरली पुर्तगालियों के द्वारा लाए गए फसल का एक ऑप्शन उसमें रहता है, तो अगर ये फसल आपको याद है तो आप इजिली उस तरह के प्रश्न को बना सकते हैं। तो आपने देखा कि गुजरातियों का कंट्रीब्यूशन क्या था, प्रिंटिंग प्रेस, बिग शिप्स एंड दे ब्रॉट सम क्रॉप्स विद देम, अपने साथ वो कुछ फसल लेकर आए थे। अब हम लोग देखेंगे डाउनफॉल ऑफ पोर्टुगीज। पुर्तगालियों का पतन कैसे हुआ इसके बारे में हम लोग ब्रीफली चर्चा करेंगे। तो पुर्तगालियों के पतन के क्या कारण थे इसको जरा हम लोग देख लेते हैं। पुर्तगालियों के पतन के कारण को हम लोग ब्रीफली देखेंगे। तो पुर्तगालियों के पतन का सबसे पहला जो कारण था उसका ये था, वो था डोमिनेंट नेवल पावर ऑफ द डच। तो पुर्तगाली के बाद भारत में आने वाली जो दूसरी व्यापारी कंपनी थी वो डचों की, नीदरलैंड्स की व्यापारी कंपनी थी। तो इनका जो नेवल पावर था बहुत ज्यादा डोमिनेंट था, सुपीरियर नेवल पावर था। तो भारत में के ज्यादातर हिस्सों से इन्होंने पुर्तगालियों को रिप्लेस किया अपने डोमिनेंट नेवल पावर, क्योंकि उस समय जिसके पास नेवी स्ट्रांग होती थी वही व्यापार को भी कंट्रोल कर सकता था। अब हम लोग देखेंगे दूसरा रीजन जो था इनके डाउनफॉल का, वो था रिलीजियस इंटॉलरेंस। ये पुर्तगाली जो थे वो धार्मिक रूप से असहिष्णु थे, यानी कि जब वो यहां आए तो उन्होंने ईसाई धर्म का बड़े जोर शोर से प्रचार किया। जैसे मैंने बताया आपको कि उन्होंने पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से शादी करने की के लिए प्रोत्साहित किया, साथ साथ गोवा में जितने भी मंदिर थे या मस्जिद थे सबको तोड़वा के उन्होंने गिरजाघर बनवाया। तो इनके रिलीजियस इंटॉलरेंस की वजह से इनका कोई लोकल सपोर्ट तैयार नहीं हो पाया, मुसलमानों के साथ इनका किसी भी तरीके से अलायंस नहीं हो पाया, जैसा बाद में अंग्रेजों ने मुसलमानों के साथ दोस्ती करके और काफी उनसे मदद निकाली, लेकिन ये इस तरह की मदद ये नहीं निकाल पाए। तो इसका महत्वपूर्ण रीजन जो था वो रिलीजियस इंटॉलरेंस था। इसके बाद थर्ड रीजन, कार्टाज वसूलने के अलावा दे रेगुलरली लूटेड हुबली। उन्होंने बार बार हुबली को लूटा, या एक और जगह था अराकनीज रीजन, यहां भी इन्होंने लूटपाट मचाई। तो ये लूट की जो इनकी टेंडेंसी थी, इस टेंडेंसी की वजह से भी ये अनपॉपुलर हुए और ये ज्यादा दिन तक नहीं सरवाइव कर पाए। इसके बाद चौथा जो इनका कारण था यहां से इनके पतन का, वो था दे टुक इंटरेस्ट इन ब्राजील लेटर ऑन। बाद में इन्होंने अपनी रुचि ब्राजील में दिखाई, जब ब्राजील का खोज हुआ तो वहां के व्यापार में इन्होंने ज्यादा रुचि दिखाना शुरू किया। तो इस तरीके से इन चार मेन रीजन्स की वजह से इनका यहां पे डाउनफॉल हुआ। तो इस तरीके से हमने पुर्तगालियों के विषय में कुछ जानकारी हासिल की। इस क्लास को खत्म करने से पहले बॉम्बे के संदर्भ में मैं एक सिंपल सा फैक्ट आपको डिस्कस कर देना चाहता हूं। लेट्स सी, तो बॉम्बे के विषय में यहां पे मैं एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, इसको देखिए। इसमें तीन पीरियड, बॉम्बे के संदर्भ में तीन पीरियड बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1661, 1668 और 1687। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 1661 की। तो 1661 में क्या हुआ कि
पोर्टुगीज प्रिंसेस जो थी, पोर्टुगीज प्रिंसेस की शादी ब्रिटिश प्रिंस चार्ल्स से करा दी गई। यानी कि पोर्टुगीज प्रिंसेस जो थी ब्रिटिश प्रिंस चार्ल्स से इनकी शादी हुई। और इसका परिणाम क्या निकला? इसका परिणाम ये निकला कि पुर्तगालियों ने ब्रिटिश प्रिंस को दहेज के रूप में, डाउरी के रूप में मुंबई दे दिया, बॉम्बे दे दिया। इनफैक्ट उस समय बॉम्बे था, मुंबई तो हाल में हुआ ये नाम। तो बॉम्बे जो है डाउरी के रूप में पुर्तगालियों ने पुर्तगाली रानी के विवाह के एवज में चार्ल्स ब्रिटिश प्रिंस को दे दिया। 1668 में एक दूसरी घटना हुई। तो ये बॉम्बे जो है ब्रिटिश क्राउन के पास था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के पास नहीं था। तो ब्रिटिश क्राउन के पास बॉम्बे आया, तो ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया कि बॉम्बे दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। और ये कब किया? 1668 में। और ये किस एवज में दिया? 10 पौंड के एनुअल रेंटल पे, 10 पौंड के एनुअल रेंटल पे 1668 में ब्रिटिश क्राउन ने बॉम्बे ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। और तीसरा घटना घटा 1687 में। 1687 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि इनका ईस्ट में पहले जो ट्रेड हेडक्वार्टर था वो सूरत था। सूरत से इन्होंने बॉम्बे को अपना हेडक्वार्टर बना लिया। तो इस तरीके से बॉम्बे के स्टेटस में परिवर्तन आया। तो बॉम्बे के विषय में एक स्मॉल फैक्ट मुझे ये बताना था। तो मैंने पोर्टुगीज के विषय में बेसिक चीजें बताई है, कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, इनको अगर आप समझ लेंगे तो इनके अलावा फैक्ट्स जो भी एक्स्ट्रा आप ऐड करना चाहते हैं तो उसमें ऐड करके फैक्ट्स को भी याद कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू लाइक दिस क्लास सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।